फ्रेम वेद और आप जो लोग मुझे नहीं जानते हैं या कुछ लोग जानते भी हैं, ऑफकोर्स मैंने इंडिया में बहुत सारी फिल्में की हैं, बॉलीवुड टीवी सीरियल्स की हैं लाइक बिग बॉस सीजन वन, और बहुत सारे म्यूजिक वीडियोज और एड्स वगैरह भी किए हैं। आई वॉज द ग्रासिंग मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड, और मैंने बहुत सारे फैशन शोज और मॉडलिंग में काम किया। तो मैं सिर्फ यहाँ पर आई लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक चनक एंड रश्मि बेरी की उन्होंने मुझे अपने कंपनी के साथ एसोसिएट होने का मौका दिया एंड टू बिकम पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल ड्रीम जिसे हम एक पैजेंट के जरिए हम फुलफिल करने जा रहे हैं। द ड्रीम इज ऑफ कोर्स कॉल्ड मिस भारत यूएसए। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम एक ऐसा बीडी पैजेंट करें जो कि प्लेटफॉर्म बन जाए, एक ब्रिज बन जाए बिटवीन यूएसए एंड बॉलीवुड इन इंडिया, और एक ऐसा ब्रिज बन जाए जहां पर कि हम जो यहां का टैलेंट है उसको हम एक अपॉर्चुनिटी दे सके, एक प्लेटफॉर्म दे सके टू डू समथिंग मीनिंगफुल एंड टू डू समथिंग जो कि उनके स्टैचर को, जो विनर्स हैं उनके स्टैचर को सूट करे। सो आई होप दैट अगर आप योर वन ऑफ द कॉन्टेस्टेंट्स वॉचिंग इट और वन ऑफ द फ्यूचर कॉन्टेस्टेंट्स, आई वुड जस्ट लाइक टू से कि आई माई सेल्फ हैव बीन अ ग्रासिम मिस्टर इंडिया और मैंने फेमिना मिस इंडिया जज भी किया हुआ है। आई वुड लाइक टू से कि मैं अपनी विजन और अपने आइडियाज जनक के साथ कंबाइन कर रहा हूँ, जनक और रश्मि बेदी के साथ, और हम चाहते हैं वी आर ट्राइंग वेरी वेरी हार्ड टू कम अप विद अ वर्ल्ड क्लास ब्यूटी पैजेंट, पैजेंट दैट हैज अ मीनिंगफुल पर्पस व्हिच इज टू प्रोवाइड अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म टू यू द कॉन्टेस्टेंट टू डू अमेजिंग थिंग्स विद योर लाइफ। आप कॉन्टेस्ट जीतने के बाद अगर आप कॉन्टेस्ट जीत जाते हैं, लेट्स अज्यूम यू बिकम द मिस भारत यूएसए, एंड उसके बाद आप अगले दिन सुबह उठ के आप अपनी 9 to 5 जॉब पर वापस चले जाते हैं, दैट्स नॉट व्हाट वी आर ट्राइंग फॉर। वी आर ट्राइंग टू गिव यू अ प्लेटफॉर्म जहां पर कि आप जीतने के बाद यू बिकम स्पेशल, आप स्टैंड आउट करें लोगों के बीच में और जो आप डिजर्व करते हैं। सो माई रिक्वेस्ट इज वी आर ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट टैलेंट दैट इज आउट देयर। इफ यू थिंक यू आर वन ऑफ द बेस्ट, इफ यू थिंक यू कैन कम्पीट विद द बेस्ट नॉट जस्ट इन अमेरिका बट ऑल्सो इन इंडिया बॉलीवुड में, या आप अगर मिसेज हैं और हमारे कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहती हैं, प्लीज आइए। इवन फॉर द मिस्टर्स हु आर वॉचिंग, प्लीज कम। एंड ऑफकोर्स हमारी सबसे स्पेशल कैटेगरी द ग्रैंडमास। अगर ग्रैंडमास ये सोच रहे हैं कि हम इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर के क्या पाएंगे, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आपको एक बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, और इस उम्र में भी हम ये चाहेंगे कि हम जनक बेदी, रश्मि बेदी, मैं और बॉलीवुड से कई हस्तियां जो हमारे साथ जुड़ रही हैं वो हमारी पूरी कंपनी के साथ जुड़े, जनक और रश्मि की कंपनी के साथ, फिर चाहे आप 60 साल के हों, चाहे आप 6 साल के हों, चाहे आप 20 साल के हों, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम सबको एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म दे सकें। सो इज विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट टू यू द कॉन्टेस्टेंट, प्लीज कम एंड पार्टिसिपेट इन द मिस भारत यूएसए 2017, प्लीज कम एंड ज्वाइन अस। It'll be our pleasure. And like I said, may the best man, may the best woman, may the best teen, and may the best grandma win.